जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, अनेक कलाओं का विकास करता गया। उन्हीं में से एक कला है लिखने की कला। आज शायद कंप्यूटर, मोबाइल, एसएमएस और इंटरनेट की दुनिया में हाथों से लिखने की कला शायद खत्म ही होती जा रही है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी लिखावट हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकती है, हमारे अंदर का झूठ पकड़ सकती है? तो अगली बार जब आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, वरना आप बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं, जैसे संदेश और राजेश फंस गए थे। और उनको फंसाने वाला और बचाने वाला भी था उनका हस्ताक्षर। शहरों में शहर मुंबई कहते हैं, यहां पैसा बोलता है। इसी मुंबई शहर का सबसे पॉश इलाका नरीमन पॉइंट, जहां होता है करोड़ों का बिजनेस। यहां पर बने हैं कई बिजनेस टावर्स, जिनमें से सबसे ऊंचे टावर की सबसे आखिरी मंजिल पर बनी है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, मैजिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जहां पर संदेश और राजेश एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उनका हाथ बटा रही है प्रियंका। कभी कभी उन्हें ऑफिस का काम करते करते रात भी हो जाती है। डन। यस यार, यस कंप्लीट। यस यस, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है जनाब। वो मीठा भी मेरे खाते में ही आएगा। अकेले अकेले मिल बांट के खाएंगे। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। नया दिन समेटे है खुद में कुछ नया, कुछ खास और कुछ अलग। अपने प्रोजेक्ट से उम्मीद बांधे राजेश की जिंदगी में भी शायद कुछ नया होने को था। आज हर दिन की तरह ही ऑफिस का काम शुरू हुआ था, जब तक कि राजेश ने अपना कंप्यूटर शुरू नहीं किया था। वक्त था लंच के बाद दोपहर के 2:30 बजे। ऐसे क्यों बैठे हो? हेलो यार, ये तो पार्टी करने का टाइम है। पार्टी चोरी हो गई है। What? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुआ ये सब? आई कुडंट फाइंड इट, कहीं भी नहीं है, आई डोंट नो। राजेश की बात सुनते ही प्रियंका और संदेश के होश उड़ गए। कहां गया होगा राजेश का प्रोजेक्ट? क्या उसे जमीन निकल गई या कंप्यूटर खा गया? जिस प्रोजेक्ट को लेकर संदेश, प्रियंका और राजेश इतने एक्साइटेड थे और देर रात तक एक साथ काम कर रहे थे, आखिर वो प्रोजेक्ट गायब कैसे हो गया? जबकि उस प्रोजेक्ट की डिटेल बहुत कम लोगों को मालूम थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तीनों एकदम हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे? नो नो, वी कांट डू दिस। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट राइट स्टेप नाउ। इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। Let me think about it. ऑफिस के बॉस मिस्टर अरोरा भी सकते में आ गए। सर, मिस्टर विनीत आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर विनीत, दिस टाइम? ओके, उन्हें मेरे केबिन में बैठाओ। अरोरा ने विनीत को फाइल के बारे में बताया। उनके ऑफिस में 80 आदमी काम करते हैं, पर संदेश और राजेश एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आज ऑफिस में चोरी हुई है, आज तक उनके ऑफिस में ये कभी नहीं हुआ।
और उन्हें लग रहा है कि चोर ऑफिस का ही आदमी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। विनी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे